राधे, आज मैं आपको कान्हा जी की ये फ्रिल वाली ड्रेस बनाना बताती हूँ। आप कहते हैं कि एक तो हमारा ये सर्किल है, ये बिल्कुल गोल नहीं बैठता, यहाँ से जंगे रह जाती है और आपकी चोली भी छोटी पड़ जाती है। आज मैं ये बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। आपको ये 6-7 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। आपको जितने भी बड़े कान्हा जी के कपड़े बनाने हैं, आप इसको ऐसे फोल्ड करिए। ऐसे इस तरह फोल्ड करने के बाद आपको इसको ऐसे करके नापना है। बिल्कुल ऐसे आप पूरी ड्रेस को खोल के ऐसे नापेंगे, इस तरह ऐसे। और जितनी भी आपकी बाजार की ड्रेस आएगी, आपको उससे कम पट्टी नहीं लेनी, उससे ज़्यादा ले सकते हो। ये मैंने नापा है 38 इंच है और मैंने ये 39 इंच की एक पट्टी ली है। देखो बिल्कुल इसमें हम सीधी पट्टी लेते हैं। ये मैंने 39 इंच की एक सीधी पट्टी ले ली है। ये देखो पूरी ये 39 इंच की है, इस तरह। और इस पे लगाने के लिए ऐसे ही मैंने ये लेस ली है। 39 इंच हमारा 1 मीटर होता है, यही 1 मीटर की हमने लेस ली है इस तरह की। आप कोई भी लेस लगा सकते हो इस पे, 1, 2, 3। जैसे मेरा प्रिंटेड कपड़ा है तो मैंने बस एक ही तरह की लेस ली है। और ये हमने इतनी ही बड़ी पट्टी अपनी इस जो ये हमारा आरकंडी का कपड़ा होता है इसकी काटी है। जितनी लंबी आप ये बेस ले रहे हैं उतनी लंबी आपको लेस लेनी है, उतनी लंबी आरकंडी की पट्टी लेनी है। और इस पे लगाने के लिए एक हमें बुकरम की पट्टी चाहिए। ये आप कितनी भी चौड़ी लगा सकते हो, बस ये हम इसलिए लगाते हैं कि जिससे हमारी ड्रेस खड़ी रहे। एक बुकरम की पट्टी बिल्कुल इसी नाप की चाहिए, 1 मीटर लंबी। अगर आपके पास पट्टी छोटी है तो आप इसमें जोड़ लगा सकते हो बीच में, ये दिखाई नहीं देगा। और फिर हमें ये चोली के लिए कपड़ा चाहिए और चोली पे भी हम ये आरकंडी की लाइनिंग लगाएंगे। अब हम ये घेरा तैयार करने के बाद अब हम कान्हा जी की चोली को नापेंगे। ये चोली अगर हम एक साइड से ऐसे नापते हैं तो ये हमारे 3 इंच तैयार है, तो हम 3.5 इंच लेंगे। तो हमें ये दोनों तरफ की मिला के 7 इंच चाहिए। 7 इंच लंबी हमें दो पट्टी चाहिए, 7-7 इंच लंबी। आप 14 इंच लंबी एक पट्टी तैयार करके उसके दो पीस भी कर सकते हो। और ऐसे हमें ये 2.5 इंच लंबी ये ऐसे तैयार चाहिए, ऐसे। बिल्कुल आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम ऐसे ही इसको फोल्ड करके ये सर्किल नापेंगे जितनी हमें उनकी कमर चाहिए। देखो ऐसे हम इसको भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको ऐसे नाप लेंगे। देखो ये हमारा 3.5 इंच ऐसे बिल्कुल तैयार है। तो अब हम ये 7 इंच की एक पट्टी, ये हमें 7 इंच रखना है। ये गोल सर्किल ये हमारा आधा 3.5 इंच है, तो हम इसको 7 इंच रखेंगे। अब हम अपनी 7 इंच की एक पट्टी न्यूज़पेपर की काटेंगे। तो ऐसे हम कोई भी न्यूज़पेपर लेके उस पर ऐसे 7 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। जितने भी हमारे कान्हा जी की कमर का हमने घेर नापा है उस पर ऐसे निशान लगाएंगे। हमने 7 इंच का हम नापा है, ये हम कितनी भी छोड़ी एक पट्टी काट लेंगे। ऐसे फोल्ड करके हम इसको कट कर देंगे। ऐसे एक पट्टी काटेंगे, ये हम यहाँ से भी काट लेंगे। देखो इस तरह हमने एक पट्टी काटी। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके बीच में एक ऐसे छोटा सा कट लगा लेंगे ऐसे। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम अपना ये वाला कपड़ा लेंगे। देखो अब हमारे पास ही बुकरम का एक पीस नहीं था, तो अब हम इसमें बुकरम में जोड़ लगाएंगे ऐसे। तो ऐसे रख के इसमें सिलाई लगा देंगे।
आप इसमें एक सिलाई भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो, ऐसे ऐसे ही हमारा ये टेट्रोन का पीस भी, ये वाला जो ये आरकंडी का कपड़ा है ये भी कम है, हम इसमें भी पहले ही एक सिलाई लगा लेंगे। देखो इन दोनों पीस को भी रख के हम ऐसे सिलाई लगा रहे हैं। देखो अब ना हमारे इस कपड़े के धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो हम पहले तो अपना ये बेस रखेंगे ऐसे, ये हम ऐसे सीधी साइड से रखेंगे इस तरह, और फिर हम ये इसके ऊपर टेट्रोन रखेंगे और फिर बुकरम रखेंगे इस तरह से। ये हमें इस तरह तीनों चीज़ें रख के एक सिलाई लगानी है। थोड़ा इनको धागे वाले इसको जगह को हम छोड़ देंगे इस तरह। ये हम अपनी पूरी पट्टी पे ऐसे लगा लेंगे। देखो अब हमने सारे में ये पट्टी लगा ली है। अब जो हम इसको ऐसे पलटेंगे ये धागे हमारे अंदर आ जाएंगे। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे इस तरह, अपने हाथ से अच्छे से दबा देंगे इसको ऐसे करके। आप प्रेस से दबाना चाहो तो इसको प्रेस से दबा सकते हो इस तरह, हम अपने हाथ से दबा के ऐसे। देखो अगर आप इसको पूरी को मतलब इधर भी ऐसे करना चाहो तो आप इधर भी ऐसे करके पूरी को पलट सकते हो, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसलिए हमने बस एक साइड में ही ऐसा किया है। दूसरी साइड में आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। ऐसे ऐसे आपको पूरी पट्टी को ऐसे दबा के दबाना है या फिर प्रेस से दबाना है, कैसे भी ऐसे कर लीजिए आप। देखो अब हम इसके ऊपर हमने इसको पूरी को पलट लिया है ऐसे, या तो आप बिल्कुल इसको किनारे किनारे लगा लीजिए ऐसे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा छोड़ के अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ा सा छोड़ के लेस लगा लीजिए इस तरह, तो ये कलरफुल सा लग रहा है, थोड़ा छोड़ के भी अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें ये लेस लगाएंगे। हमने इसी की मैचिंग का धागा डाला है। अगर आपको बार बार अपनी रील पसंद वो चेंज करना चाहें तो आप जैसे ये टेट्रो ये है आरकंडी का कपड़ा है या आपका कपड़ा है, इसके अकॉर्डिंग अलग रील भी चेंज कर सकते हो। ऐसे हम पूरी पे ये लेस लगाएंगे। देखो जो हम लेस लगा रहे हैं इससे अब हमारी ये टेट्रोन हमारे ये अब कपड़ा सब कुछ दब जाएगा, आपको एक्स्ट्रा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पूरी लेस पे जो हमने ये पूरा बेस तैयार किया है ये इस पे ऐसे ही ये लेस लगानी है इस तरह। बिल्कुल हम इसको किनारे किनारे पे लगा रहे हैं और सिलाई को बिल्कुल इस पत्ती के बीच में ले रहे हैं। आपको इस हिसाब से अपनी सिलाई लगानी है कि आपकी ड्रेस सुंदर लगे। आप इसमें अगर मशीन को ढीली करके लगाना चाहें तो ढीली सिलाई भी लगा सकते हो, और अगर बारीक लगा रहे हो तो बारीक लगा सकते हो। ऐसे हमें पूरी पट्टी पे लगाना है। देखो अब हम ये दूसरी तरफ ऐसी ही सिलाई लगा रहे हैं यहाँ पे। अब भी हम इस पट्टी के वो बीच में ही लगा रहे हैं इस तरह। ये हमें पूरी पट्टी पे ऐसे ही सिलाई लगाते जाना है ऐसे। देखो ये हमारी दोनों तरफ सिलाई लग गई है। अब हम जो हम गोल ड्रेस बनाते हैं उनमें तो हम अलग से रिबिन लगाते हैं, और इसको हम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। इधर तो हमारी किनारी है तो हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे। उधर हमारी किनारी नहीं है, उधर एक बार अंदर करके फोल्ड करेंगे ऐसे।
थोड़ा सा यहाँ से ऐसे सिलाई ले आएंगे ऐसे। अब ये देखो इधर से हमारा ऐसा आया है, तो हम ये जितना कपड़ा है हमें लगता है एक्स्ट्रा है, उसको तो ऐसे काट देंगे। अब बाकी इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। देखो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे थोड़ा सा ऐसे इस तरह, और यहाँ पे किनारे किनारे एक एक सिलाई मार देंगे। आप अपनी ड्रेस की फिनिशिंग बाद में कर सकते हैं। ये लेस ठीक से दबी नहीं है, तो एक सिलाई ऐसे उल्टी तरफ से करके तब लगा देंगे। ये फिनिशिंग तो आपके ऊपर है कि आप कितनी फिनिशिंग से अपनी ड्रेस बनाते हैं। देखो अब जो हमारे इसकी धागे बहुत सारे निकल रहे हैं, ये हमारा जो टैट्रोन वाला कपड़ा है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे ऐसे एक एक सिलाई लगा देंगे कि जिससे हमारे ये धागे भी नहीं निकलेंगे, हमारा ये कपड़ा दब जाएगा। अगर आपका कोई कपड़ा ऐसा है कि जिसके धागे नहीं निकलते हैं, तो आपको फिर ये इस तरह सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास ये मोड़ने का कपड़ा है तो आप मोड़ के लगा सकते हो, अगर आपके पास ये कम कपड़ा है तो आप बिना मोड़े भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारी चोली आ जाएगी ऐसे ऐसे। हम ये पूरी में लगा रहे हैं, देखो ऐसे इसको फोल्ड करा। बस आप ऐसे भी रख के ऐसे भी लगा सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें झोल ना पड़े। देखो ये अब हमारा कपड़ा थोड़ा कम लग रहा था, तो हम इसमें बिना फोल्ड करे ऐसे ढीली मशीन करके फटाफट ये सिलाई ऐसे लगा देंगे ऐसे, ना तो हमारे धागे दिखाई देंगे और हमारा ये सब अंदर चला जाएगा और सिलाई भी जल्दी से लग जाएगी ऐसे, और ये झोल भी नहीं आ रहा है इस तरह। देखो अब हमने जो न्यूज़पेपर काटा था अब हम इसको रखेंगे, और अब हम अपनी पट्टी को भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह। देखो यहाँ से, और इसके बीच में भी ऐसे यहाँ पे हल्का सा कट लगा लेंगे इस तरह। आप निशान भी लगा सकते हो पेन से और कट भी लगा सकते हो। अब हम इस न्यूज़पेपर को रखेंगे और अब हम इसमें प्लेटें देने शुरू करेंगे। ऐसे ये प्लेटें आप अपने हिसाब से एक साल करके लगा लीजिए। अगर आपसे एक साल नहीं लगती तो आपको निशान लगाना है ऐसे। देखो कितना ज़्यादा ज़्यादा लेके हम प्लेट लगा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने आधे कपड़े तक और इस आधे निशान तक ऐसी ही प्लेटें लगानी है जहाँ पे हमने आधे पे निशान लगाया है। आप ये कपड़ा कम लेते हैं तभी आपका वो गोल सर्किल नहीं बन पाता। ऐसे ये प्लेटें आपकी यहाँ से भी
ऐसे 1 साल रहें। ऐसे देखो कितनी बड़ी बड़ी, कम से कम 1-1.5-2 इंच की आपको ऐसे प्लेट लगानी है, और इसके नीचे आप बहुत सारी प्लेटें ऐसे दबा सकते हो जितनी आपकी आ जाए, फिर आप थोड़ी सी सिलाई लगाइए, फिर और प्लेट लगाइए। देखो अब न्यूज़पेपर का ये कट और हमारा ये कट देखो बिल्कुल इक्वल ऐसे आ जाएगा, बीच में ये प्लेट हमारी बीच में आएगी इस वाले कपड़े की, ऐसे ऐसे करके ये देखो। तो अब हमारा जो आधा कपड़ा बचा है उसकी हमें लास्ट तक ऐसी ही प्लेटें बनानी है। ऐसे देखो प्लेट को हम कितना बड़ा बड़ा ले रहे हैं, वो तो आप देख लेंगे कि आपको कितनी बड़ी बड़ी आपकी प्लेटों में इतना कपड़ा पूरा हो रहा है। ऐसे ऐसे देखो देखो ऐसे 3-4 प्लेटें बना के ऐसे दबा के सिलाई लगा देंगे, ऐसे फिर यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर ऐसे 3-4 प्लेटें फिर बना लेंगे। तो ऐसे जो हमारी बड़ी छोटी भी रह जाएंगी तो हम उन्हें खोल के सही कर लेंगे, ऐसे इसके अंदर ऐसे दबा देंगे। आप किसी चीज़ से ऐसे अंदर कर सकते हो ऐसे, और ऐसे हमें लास्ट तक देखो जितना भी हमारा कपड़ा बच रहा है। देखो अगर आपका कपड़ा पूरा होगा तो देखो ये सर्किल हमारा अपने आप ही घूम गया है ऐसे। अभी हम इसके पीछे से जो हमने ये कागज़ लगाया था इसको हम उतार देंगे, ऐसे ये कागज़ निकल जाता है। अब हमारी जब हम इसमें चोली लगाएंगे तो बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगी, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस अब आपको इसके नाप की चोली बना के इसमें फिट करनी है। आप इसके धागों की फिनिशिंग कर देंगे ऐसे, देखो ये आपकी चोली अपने आप ऐसे ही घूम जाएगी, ये देखो कहीं से भी आपका खुला नहीं रहेगा, बल्कि देखो हमारी चोली हमारा घेर एक के ऊपर एक आ रहा है ऐसे। ये थोड़ी लेस जो है हमारी टाइट है, इसको हम थोड़ा ऐसे सेट करेंगे प्लेट्स दबाकर, जब हमारी पूरी तैयार हो जाएगी तो प्लेट से सेट कर देंगे प्रेस से, तो ये अपने आप सेट हो जाएगी और इक्वालिटीज में आ जाएगी ऐसे, ये फिर ये खड़ी खड़ी नहीं रहेगी इस तरह। और ऐसे देखो कितना सुंदर हमारा ये सर्किल बन गया है, जैसे हम प्लेट से बनाते हैं वैसे ही ये हमारा ऐसे प्लेटें डाल के बनाया है। देखो जैसे मैं आपको स्टील की प्लेट से सर्किल बनाना बताती हूँ, इसी तरह ये हमारा सर्किल ऐसे प्लेटें डाल के बन गया है देखो। और ये ड्रेस बन के भी कितनी सुंदर लगेगी कान्हा जी की, इसको आप किसी भी फेस्टिवल पे पहनाएंगे तो बहुत ही सुंदर ड्रेस बन गई है ये। ये कपड़ा बाजार से आता है, ये ब्लाउज वाला कपड़ा है जिसका ब्लाउज भी बनता है। ये कपड़ा आप लाके आधा मीटर कपड़ा ले आइए, इसमें तो कमी लगेगा पर इतनी पट्टी कोई बाजार से देता नहीं है, तो आपकी 2-3 ड्रेसें बन के तैयार हो जाएंगी ऐसे। अब मैं आपको इसमें चोली लगाना बताती हूँ। तो चोली के लिए मैंने पूरा 14 इंच लंबा और ऐसे 6 इंच चौड़ी एक पट्टी ले ली है, और ये इसके ऊपर इतना ही बड़ा मैंने
अरकंडी का पीस लिया है, इसको हम ऐसे ऊपर रखेंगे। देखो इस कपड़े के ऐसे धागे भी निकल जाते हैं, ये अलग तरह की थोड़ी लेस सी बन जाएगी। अगर ये चाहो कि आप हमारे कान्हा जी की ड्रेस में कुछ अच्छा सा और लुक आ जाए, तो आप इसमें से ऐसे धागे निकाल सकते हो थोड़े से, इस तरह। ये धागे देखो इसमें से बहुत जल्दी निकल रहे हैं इस कपड़े में से, ऐसे। और ऐसे ही हम इस साइड से भी निकाल लेंगे। ऐसे ऐसे देखो हमने दोनों तरफ से ये थोड़े थोड़े धागे निकाल लिए। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम ये अरकंडी का कपड़ा रखेंगे ऐसे। देखो इसको ऐसे अरकंडी का कपड़ा हमने इसके अंदर रखा। अब हम इसको ऐसे दबा देंगे, या तो आप इसमें कच्चा कर सकते हो या ऐसे दबा दो, या तो आप यहाँ पे अब एक सिलाई लगा लो। और यह इसी के साथ साथ हमने ये गोल्डन फीता लिया है, ये हम इस पे लगाएंगे ऐसे। यहाँ हम इसके किनारे किनारे ऐसे लगा देंगे इसको, इस तरह से। ये देखो ये छोटे छोटे से हमारे जो फलवे से चमकेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे, ये बाजू के ऊपर आएंगे ऐसे। ये मैं मशीन से लगाती हूँ। ये देखो ये हम पहले बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा रहे हैं कि जिससे हमारे और ज़्यादा धागे ना निकले। देखो इस तरह हमने ये लेस लगा ली है और ये हमारा ऐसे आ गया है। हम इसको कटिंग करके जितना भी हमें ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है इसको एक सार कर लेंगे ऐसे। इसकी फिनिशिंग आप अपनी अकॉर्डिंग कर लीजिए। अब हमने उस पट्टी में से दो पीस कर लिए, अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह। आप इसको आगे की तरफ भी ला सकते हो और बाजू पे भी ला सकते हो। अगर आप इसको आगे की तरफ लाओगे तो ये इस तरह लगेगा, और बाजू पे लाओगे तो आपको यहाँ पे ऐसे जितनी बाजू रखनी है उतनी रख के इस लेस के बीच में एक सिलाई लगानी पड़ेगी कि जो आपकी बाजू बन जाएगी। देखो अब हम इसके ऐसे जितनी हमें बाजू छोड़नी है उतनी बाजू छोड़ के ऐसे सिलाई लगा रहे हैं इस तरह, ऐसे ही हम अपनी दूसरी बाजू पे लगाएंगे। इसको रख के निशान लगा लेंगे। देखो ये चोली आपको देखने में थोड़ी चौड़ी लगेगी, क्योंकि एक तो ये कपड़ा बहुत टाइट है और एक इसमें हमने ये लेस छोड़ दी है, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ से सिलाई लगाई है तो इतनी एक्स्ट्रा है ये। और अब हम इसको यहाँ पे दोनों पीस ऐसे पकड़ के एक साइड के ऐसे, और थोड़ी सी सिलाई ऐसे लगा देंगे जिससे हमारा ये वी गला बन जाएगा इस तरह। ऐसे रख के ऐसे लगाएंगे यहाँ से, थोड़ा तिरछा करके लगा देंगे। देखो ऐसे लगाएंगे ऐसे। अब इसमें एक सिलाई और लगा देंगे कि उधड़े ना। अब हम अपनी चोली को ऐसे फोल्ड करके और यहाँ पे बीच में एक कट लगा देंगे, या फिर पेन से निशान लगाएंगे ऐसे, और अपना बीच वाला हिस्सा चोली का यहीं पे रख। देखो अब उस वाले निशान को मिलाकर और इस वाले निशान को मिलाकर ऐसे हम अपनी चोली को रखेंगे, और यहाँ पे बीच से ही अपनी चोली को लगाना शुरू करेंगे ऐसे। जब हम नाप की बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे तो हमारी भी कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होगी। ये मैंने आपको बताया है कि ये हमारा इसकी वजह से थोड़ा सा ये चोली आपको चौड़ी लगेगी, इसको हम थोड़ा सा ऐसा तिरछा कट कर देंगे यहाँ से ऐसे, कि जिससे हमारी ये सिलाई भी अच्छे से हो जाए। देखो हमारी बिल्कुल चोली पूरी बैठ रही है, ये थोड़ी बाहर को ही आनी चाहिए जिससे कि ये छोटी ना पड़े बाद में।
अगर ये बिल्कुल यहाँ से छोटी आती है तो फिर ये छोटी लगने लगती है ऐसे। अब हम इधर से लगा देंगे इसमें ऐसे। देखो मैंने पहले ही हल्की सी बाहर निकाली है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ऐसे। अब हम इसको ऐसे गोल घुमाते हुए ले आएंगे। देखो अब हम इसमें पूरी में ऐसे सिलाई लगा देंगे इसी सिलाई के ऊपर। देखो इस तरह हमारे कान्हा जी की प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। देखो कहीं भी इसमें सर्किल में चोली में कहीं भी कुछ कमी नहीं है। देखो सब चीज़ें, देखो चोली भी पीछे से देखो आप बिल्कुल पूरी लग रही है। ये देखो ये पूरी देखो। और ये चोली इसलिए लग रही है कि ये हमने यहाँ तक सिलाई लगा दी है और ये हमारी चोली एक्स्ट्रा है। ये पहन के कान्हा जी को अलग लगेगी कुछ। और इसको आप जब प्रेस से सेट कर देंगे तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी इस तरह। देखो ये लेस भी काफ़ी टाइट वाली है इस तरह। देखो ये कान्हा जी की प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आपको ये प्लेट वाली ड्रेस बनाने के लिए ये कपड़ा पूरा लेना है, कम नहीं लेना है। आप 1-2 इंच ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन कम बिल्कुल नहीं लेना, तो आपकी ये ड्रेस अपने आप फैल जाएगी। धन्यवाद।